है और मेरे को आप यहाँ बहुत से कार्यकर्ता को पता है कि वो लोगों को पूछते हैं, अरे तुम तीन जैसे मुस्लिम भाइयों को जाके घर में बोलते 8 लाख रखने दो, 10 लाख रखने दो, 20 लाख रखने दो, हम आपको देते, आप डिमांड से चुनाव लड़ो, यानी आराम से आप चुनाव लड़ेंगे तो आपका डिमांडेशन हो जाएगा और उनके सीट छूट जाएंगे। ये ऐसा काम उन्होंने शुरू किया है, अपने वोटर लिस्ट से काम कम करने का काम शुरू किया है। ये सब बातों का ख्याल रखते हुए हमें अपनी सावधानी से इसके आगे काम करना पड़ेगा। हमें हमारा एक एक वोट निकाल के उनको वोटर को दूध तक लेके जाकर उनका वोटिंग करके देना होगा, तभी काम होने वाला है। आपको पता है कि बीजेपी का जाल सिली पार्टी वाला कार्यकर्ता है, कभी भी मुस्लिम का मोहल्ले में आता है मुस्लिम घर में उसी सीट पर भी हाथ रखाई दीजिए। आइए क्या ये काम तो आप हटा उनको, उनका मोहल्ले में आपका वोट मिलने वाला नहीं, उनका अपना वोट कितना कम हो जाए या अपना वोट कैसा डिमांडेशन हो जाए, इस पर ज्यादा गौर करने का, इस पर काम करने का वो काम करते हैं। इसलिए अपने को अभी सावधान होना पड़ेगा। ठीक है, हमारे बुजुर्गों के हाथों से गलतियां हो गई रहेंगी, कुछ गलत फहमियां उन लोगों ने फैलाई है, वो गलत फहमी है तो अपन कितने ये करते बैठने का, अभी वो सब भूल के हाँ तो एक जगह आके जिस तरह सभी विरोधी पक्षों लोगों ने इंडिया नाम की एक संविधान बनाई है और वो इंडिया के माध्यम से आप चुनाव लड़ रहे, मोदी जी अगर वापस सत्ते में आएंगे तो तुम्हारे को घर घर में अपनी हालत खराब हो जाएगी। आज जीएसटी के नाम पे आपको पता है सादा एक ठेला चलाने वाला आदमी को भी जीएसटी के टैक्स चल रहे हैं, सब इसमें टैक्स के अपने हम लोगों को इतनी लॉ करने की कोशिश कर रही है, यानी जो तुम कमाते हो वो कमाई पूरी सरकार निकालती है, लेकिन जाओ उनका शुरू है जरा। अभी अगर अगले बैंक को चांस मिलेगा तो हर एक चाहे कैंटीन वाला हो, पान पट्टी वाला हो, फार्मेसी मेडिकल वाला हो, उन सबको टैक्सेस भरना पड़ेगा, सबको जीएसटी भरना पड़ेगा। तो आप चाहते हैं कि अपना पैसे जो तुम्हारी मेहनत है वो पूरे सरकार को दे और सरकार के लोग बैठ के वहां पे भ्रष्टाचार करे, अपना जो ट्रस्ट का पैसा है वो अपन लोगों का ऐसे ही देंगे क्या, ये सोचने की जरूरत है। और ये अगर रुकाना है तो पहले अपने सब लोगों के पुलिस में नाम है करने देखना जरूरी है, वो नाम आप सिर्फ नाम रहने देने का नहीं, उनके घर तक अपनी सीट डालना चाहिए, उनको हमें क्यों वोट देना है वो समझा के वोटर बूथ तक लेके जाकर उनको वोटिंग करके वो इतनी गुजारिश में आप सब मुस्लिम भाई को करता हूँ, ज्यादा कुछ बात न करते हुए सुनते नहीं को अपने को सुन रहे हैं, उनका आगे प्रोग्राम भी टाइट है, थोड़ा स्टार्ट भी थोड़ा लेट हो गया, इससे ज्यादा ना कुछ बोलते हुए मैं आपकी यही भी मेरे को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राष्ट्रवाद।